हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? लेट मी नो, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल, प्लीज़ कन्फर्म इट. जल्दी से कन्फर्मेशन दीजिएगा. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? गुड इवनिंग योगेन जी, गुड इवनिंग अमित जी. अच्छा, अमित जी का कंफर्मेशन आ चुका है. जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से. आज आपका टेस्ट के फॉर्म में रहेगा. आज जो रहेगा आपके टेस्ट के फॉर्म में रहेगा. पूरा क्विज रहेगा वो टेस्ट के फॉर्म में रहेगा. सॉरी सुमित जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विवेक शर्मा जी. चलिए चलिए, शुड वी स्टार्ट नाउ? आर यू गाइज रेडी? हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द जोश? लेट मी नो, हाउ इज़ द जोश? विवेक जी का आंसर आ चुका है. यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी. गुड इवनिंग भारती जी, गुड इवनिंग. सब काला काला है, कोई दिक्कत नहीं, अभी गोरा गोरा हो जाएगा. काले गोरे में क्या रखा है? गुड इवनिंग अविनाश जी. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए. यहाँ पर आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें अपना स्कोर काउंट करना है आपको, और लास्ट में हम स्कोर की बात करेंगे किसका अच्छा जा रहा है. कई लोग पूछ रहे हैं सर कैसे हमें पता चलेगा कि हम अच्छा जा रहे हैं या नहीं. तो यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं. गेमिंग, कश्मीरी गेमिंग जी, रीजनिंग का पीडीएफ. बेटा मैं सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टीज हूँ, रीजनिंग का पीडीएफ कैसे शेयर कर दूँ आपके साथ, ये बताइएगा. रीजनिंग की फैकल्टी आपके साथ रीजनिंग का शेयर करेगी, जरूर करेगी ना. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए यहाँ पर. ठीक है, अब आपने जितना पढ़ा हुआ है उसमें कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ पुराने क्वेश्चन. जितना पढ़ा हुआ है उससे आपको पता चलेगा कि पुराने क्वेश्चन सही जरूर करना है. ठीक है, हाँ मोटिवेशनल शायरी. अच्छा, मोटी मोटी वाली, और मोटी वाली शायरी चाहिए. ठीक है, मोटिवेशनल शायरी हो जाएगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर दीजिएगा मुझे जल्दी से बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा. क्या होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया मेरा. ठीक है, व्हेन एयर एंड ड्रिजल कम्स इन द कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्राउंड एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करते हैं, ड्रिजल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड अराउंड के समथिंग में कॉन्टैक्ट में आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. देन वाटर ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म एन आइस कोटिंग, इट इज नोन एज. अगर हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लेज. ग्लेज बोला जाता है, ग्लेज यानी हम बोलते हैं पाला. जनरली साइंस में क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं. अगर हम ड्रिजलिंग की बात करते हैं तो ड्रिजलिंग क्या होता है, जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स का जो साइज होता है वो लेस देन 0.5 mm निकल करके आता है. और एंड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर्स निकल करके आती है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं, फुहार बोलते हैं. ठीक है, ओला कब बोलते हैं, जब हमारा जो साइज होता है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 8 mm से ज़्यादा होता है, वो हमारा हमारा क्या कहलाता है, ओला कहलाता है. और जो सुबह के समय जो ओस वगैरह जमती है उसको क्या बोलते हैं, तुषार वर्षा बोला जाता है. उसको तुषार वर्षा बोला जाता है. गुड इवनिंग. ठीक है, तो और अगर हम बात करते हैं रेन की, तो रेन के लिए क्या पैरामीटर होते हैं, तो अगर हम रेन की बात करते हैं तो लाइट रेन किसको बोला जाता है, लाइट रेन की बात करते हैं कितना होता है, अगर इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर्स तक होती है तो हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइट रेन बोलते हैं. और हम बात करते हैं मॉडरेट रेन, अगर हम बात करें मॉडरेट रेन, मॉडरेट रेन किसको बोला जाता है, 2.5 mm पर आवर से लेकर के 7.5 mm पर आवर्स तक हमारा क्या होता है, मॉडरेट रेन होता है. और यदि हम बात करते हैं हैवी रेन की, तो हैवी रेन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, 7.5 mm पर आवर्स से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, वो हमारा हैवी रेन कहा जाता है. तो रेन के रिस्पेक्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन हमने इस क्वेश्चन से निकाली. गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से. जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई, मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूँ. जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग. ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं फिर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनील जी, गुड इवनिंग अजय जी, गुड इवनिंग एवरीवन.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर टू, द रेट ऑफ रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इक्वल्स द रन ऑफ वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग कौन पढ़ाता है? रीजनिंग भाई, रीजनिंग की फैकल्टी पढ़ाती है, आप टेक्स्ट बुक के चैनल्स देखिएगा, वहां पर रीजनिंग की काफी फैकल्टीज अवेलेबल है, अच्छी अच्छी फैकल्टीज अवेलेबल है। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पर, द रेट ऑफ रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इक्वल्स टू द रन ऑफ वॉल्यूम। हम बात करते हैं रेनफॉल वॉल्यूम रन ऑफ वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाई इंडेक्स। अच्छा, डब्ल्यू इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बात करते हैं बहन रेनफॉल इंटेंसिटी जो होती है वो रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है, हमारी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, सॉइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यू इंडेक्स के लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो ओके मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू, यहां पर हमारा टू का, हमारा ऑप्शन नंबर टू आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जल्दी से। इसका आंसर बताइए जल्दी से, एक मिनट। मेरे पास आपके कमेंट थोड़े से डिले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाइन ऑफ 10 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप इज श्रंक। अगर हम बात करते हैं श्रंक हो जाता है टू 8 मीटर, हम बात करते हैं तो हम निकालेंगे श्रंक फैक्टर, निकाल लेते हैं श्रंक फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 8 मीटर अपॉन 10 मीटर। तो हम बात करते हैं 8/10 मतलब श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकल के आता है। ठीक है, कैलकुलेट द श्रंक स्केल, श्रंक स्केल कैलकुलेट करना है, तो श्रंक स्केल क्या होता है, श्रंक स्केल हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू क्या होता है, श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है, ओरिजिनल स्केल निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं ओरिजिनल स्केल कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। तो हम स्केल की बात करते हैं, ओरिजिनल स्केल की बात, कितना, 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 मीटर दिया गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर अपॉन 5000 मीटर भी लिखा जा, 5000 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 8/10 × 1/5000 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकल करके आ रहा है, ये निकल करके आ रहा है 1/6250। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 62.5 मीटर भी लिखा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू। अच्छा ये बताओ, श्रंक फैक्टर, श्रंक स्केल हमेशा ओरिजिनल स्केल से छोटा होता है या बड़ा होता है, श्रंक स्केल हमेशा ओरिजिनल स्केल से छोटा होगा या बड़ा होगा। तो क्या होगा, श्रंक स्केल हमेशा ओरिजिनल स्केल से छोटा होता है। और इसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, आरएफ चेक करना पड़ता है। आपको क्या चेक करना पड़ता है, यहाँ पर आरएफ चेक करना होता है कि आरएफ कितना है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, आंसर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर टू आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर को आइडेंटिफाइड करना है, जल्दी से रॉन्ग आंसर आइडेंटिफाइड कीजिएगा। इसमें आंसर क्या होगा, रॉन्ग आंसर, प्रिज्मेटिक कंपास मेजर्स, अगर हम बात करते हैं, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अगर हम प्रिज्मेटिक कंपास मेजर द होल सर्कल बियरिंग, अगर प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग बात करता है, तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या होल सर्कल बियरिंग को मेजर करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जबकि सर्वेयर कंपास जो होता है वो किसको मेजर करता है, सर्वेयर कंपास मेजर करता है कॉर्डेंटल बियरिंग को।
क्वाड्रेंटल बियरिंग को यहां पर मेजर कर रहा होता है। किसको? क्वाड्रेंटल बियरिंग को मेजर कर रहा होता है। तो हम बात करें रॉन्ग आंसर, तो ऑप्शन नंबर टू आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं। इन प्रिज्मेटिक कंपास रीडिंग्स आर टेकिंग फ्रॉम द साउथ एंड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास में साउथ एंड पर 0 डिग्री मेंशन होता है और नॉर्थ एंड पर कितना होता है, 180 डिग्री मेंशन होता है। तो हम बात करते हैं ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं सर्वेयर कंपास में 0 और नॉर्थ पर दोनों पर ही 0 डिग्री यहां पर मेंशन होता है। ठीक है, इन सर्वेयर कंपास रीडिंग आर टेकिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड। नॉर्थ एंड से भी लिया जा सकता है और साउथ एंड से भी लिया जा सकता है। अगेन हम बात करते हैं तो प्रिज्मेटिक कंपास 0 से 360 डिग्री मेजर करता है और सर्वेयर कंपास 0 से 90 डिग्री मेजर कर रहा होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहां पर मिलने वाली। अच्छा, प्रिज्मेटिक कंपास को हम विदाउट ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्वेयर कंपास को कभी भी विदाउट ट्राइपॉड यूज नहीं किया जा सकता है, उसकी एक्यूरेसी को कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है, जल्दी आंसर दीजिए, कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है, कंपास का लीस्ट काउंट कितना होता है, हम बात करते हैं कितना, 30 मिनट तक हो सकता है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ एलिडार्ड इन प्लेन सर्वेइंग इज। अगर हम बात कर रहे हैं पर्पस ऑफ एलिडार्ड की इन प्लेन सर्वेइंग क्या होता है, ठीक है, ये आंसर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 30 मिनट होता है, 30 मिनट आंसर है, 30 मिनट आंसर है, बहुत बढ़िया। पर्पज ऑफ एलिडार्ड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। अगर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग की बात करते हैं पर्पज ऑफ एलिडार्ड का, अच्छा थ्योटोलाइट का कितना होता है, थ्योटोलाइट का 20 सेकंड होता है, 20 सेकंड। ठीक है, तो एलिडार्ड का पर्पज लेबलिंग ऑफ प्लेन टेबल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बबल ट्यूब यूज कर रहे होते हैं। क्या यूज करते हैं, बबल ट्यूब यूज करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स के लिए हम क्या करते हैं, वेन्स यूज करते हैं, वेन्स को यूज करते हैं। ठीक है, सेंटरिंग के लिए किसको यूज किया जाता है, प्लम बॉब को यूज किया जाता है, जबकि साइटिंग ऑफ द टारगेट पॉइंट्स के लिए किसके लिए यूज करते हैं, एलिडार्ड। और अगर हम बात करते हैं एलिडार्ड, दो तरीके के एलिडार्ड यूज करते हैं, एक हम यूज करते हैं प्लेन एलिडार्ड और एक हम यूज करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडार्ड। ठीक है, एक हम यूज करते हैं प्लेन एलिडार्ड, एक हम यूज करते हैं टेलीस्कोपिक एलिडार्ड को हम यहां पर यूज करते हैं। दो तरीके के, एक प्लेन एलिडार्ड, एक टेलीस्कोपिक एलिडार्ड को यूज किया जाता है। टेलीस्कोपिक एलिडार्ड हिली रीजंस के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन भी निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पर, हाँ प्लेन में हम क्या करते हैं, तो प्लेन में हम नॉर्मल फ्लैट टेरेन में हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, 5th का 4 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ बेरा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ अ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सबसे पहले सेंसिटिविटी होता क्या है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है एस बाई एन डी इंटू 20/62/65। ये क्या होता है, सेकंड्स में निकल करके आता है वो एंगल जो स्टाफ रीडिंग पे 1 mm करने पर, या हम बात करें बबल का 1 डिवीजन डिफ्लेक्ट होने पर स्टाफ में कितना अंतर होगा, वो सेंसिटिविटी कहा जाता है। अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ लेबल ट्यूब के, किसके, लेंथ ऑफ लेबल ट्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम बात करते हैं सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाया ऑफ ट्यूब के, डाया ऑफ ट्यूब के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल रेडियस किसके, ऑफ द लेबल ट्यूब, इंटरनल रेडियस ऑफ लेबल ट्यूब, इसके भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड के, क्या होता है ये, विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं। और सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल रफनेस के, जो भी वॉल हम यूज कर रहे हैं उसमें जो फ्लूड है उसके रफनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इतने सारे पॉइंट हमारे यहां पर निकल कर गए। अब हमसे पूछ रहा है सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग द डायामीटर ऑफ द ट्यूब, डायामीटर हम यूज करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएंगी। डिक्रीजिंग द रेडियस, रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो नहीं होगा। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब, ये भी नहीं होगा। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वन डिवीजन की लेंथ को डिवीजन करेंगे तब भी नहीं होगा, तब भी हमारी सेंसिटिविटी घट जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है सेंसिटिविटी डी बाई आर, ठीक है, वो भी हमारा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को याद है, बहुत बढ़िया। 7th नंबर क्वेश्चन, इन अ क्लोज ट्रेवर्स इफ अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड
एंड निगेटिव अल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन प्रोजेक्शन ऑन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. डिपार्चर क्या होता है? डिपार्चर होता है प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें डिपार्चर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो अब हम बात करें लैटिट्यूड क्या है? निगेटिव. यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें तो अल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती है. अगर यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा आती है तो हमारा ये कहता है 0 degree, ये होता है 90 degree और ये होता है 180 degree. तो हम क्या बोलेंगे? 190 degree से 180 degree के बीच में. तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन आप सभी का, बहुत शानदार जा रहा है यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th नंबर. विच ऑफ द रोड पैटर्न, अगर हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द रोड पैटर्न वर द फॉर्मूलाज ऑफ नागपुर रोड प्लान. नागपुर रोड प्लान के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया था? तो नागपुर रोड के प्लान के लिए कौन सा किया था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को हमने यूज किया हुआ था. अगर हम बात करते हैं, 3 प्लान थे हमारे, पहला था नागपुर, दूसरा था बॉम्बे, तीसरा था लखनऊ. अगर हम नागपुर की बात करते हैं तो कितना, 2000, अगर हम बात करते हैं नागपुर की तो कब स्टार्ट हुआ था? 1963 से 1983 तक जाना था. लेकिन कब कंप्लीट हो गया था? 81 में, सॉरी सॉरी 1943 से 1963 सॉरी 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 1943 से 1963 तक जाना था. ठीक है, तो कब कंप्लीट हो गया था? 1961 में कंप्लीट हो गया था. दूसरा अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट, बॉम्बे प्लान, तो 1961 में स्टार्ट हो गया था. कहां तक गया था? 1981 का. और अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1981 से 2001 तक गया हुआ था. ठीक है, फिर हम बात करते हैं रोड डेंसिटी की, तो इसमें कितना होता है? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर निकल करके आया था. इसमें कितना आया था? इसमें आया था 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर निकल करके आया था. ठीक है, और इसमें कितना निकल करके आया था? इसमें 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर निकल करके आया था. ठीक है, ट्रिक ना बोलूँ. अच्छा ना बोलूँ, ओके बहुत बढ़िया. ना बोलो अजय जी. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, यहाँ पर स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न यूज हुआ था. स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न अगर हम बात करते हैं स्क्वायर, तो इसमें 5 नागपुर प्लान में क्या था? 5 तरीके के रोड्स थे. नागपुर प्लान में हम बात करते हैं 5, यहाँ पर बॉम्बे प्लान में 5. लेकिन अगर हम बात करते हैं रोड क्लासेस की, तो यहाँ पर 3 रोड का क्लासिफिकेशन था जो हमने बात की हुई है. तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर. तो देखो बोला गया मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन कितना होगा. तो देखो यहाँ पर कोई भी ट्रेन की कंडीशन नहीं दी गई है. अगर हम अर्बन कंडीशन की बात करते हैं तो अर्बन कंडीशन के लिए कितना होता है? 4% होता है. अगर हम बात करते हैं प्लेन ट्रेन की, तो प्लेन ट्रेन के लिए कितना होता है? 7% होता है. और अगर हम बात करते हैं हिली ट्रेन की, तो हिली ट्रेन के लिए कितना होता है? 10% निकलेगा. तो 7% का मतलब होता है 1 in 15. तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा. क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट 10th नंबर. इन इंडियन रोड कांग्रेस बॉम्बे में कोई भी पैटर्न नहीं था. बॉम्बे में कोई भी पैटर्न नहीं था, रैंडमली डिजाइन किया गया था. ठीक है, बॉम्बे में पैटर्न अडॉप्टेड नहीं है. अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विड्थ ऑफ द कैरेज वे 3.75 मीटर फॉर अ सिंगल लेन. सिंगल लेन के लिए कितना? 3.75 मीटर होता है. तो ये तो सही है. 7 meter फॉर द टू लेन बिल्कुल सही है. 7.5 meter फिर टू लेन रेज कर, ये भी सही है. तो हम बात करते हैं ऑप्शन 1, 2 and 3 दोनों सारे सही हैं. तो ऑप्शन नंबर 4. अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेन, तो इंटरमीडिएट लेन के लिए कितना होता है? इंटरमीडिएट लेन के लिए, तो देखो आज आपकी जो है वो प्रैक्टिस चल रही है आपके तरीके से. ठीक है, अगर हम बात करते हैं मल्टी लेन के लिए, तो मल्टी लेन के लिए कितना लिया जाता है? 3.5 meter पर लेन लिया जाता है. 3.5 meter पर लेन ले लिया जाता है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके की, और भी प्रैक्टिस आपको मिलेगी. एक ही क्वेश्चंस को बार बार लगाना है जिससे आप उसको मजबूत कर सकें. जहाँ पर भी गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको सारी एरर को सुधारना है. तो उन एरर को सुधारने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है टेक्स्ट बुक पास. अगर आप टेक्स्ट बुक पास को अवेल करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. ठीक है, कई ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो टेस्ट बुक पास के थ्रू आपके कवर अप हो जाएंगे. तो आपको क्या करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है. वहाँ पर ही एक लिंक अवेलेबल है जहाँ पर आपने ईयरली टेस्ट बुक पास को सिलेक्ट करना है. और जब आप ईयरली टेस्ट बुक पास को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कूपन में जाएंगे, और अप्लाई कूपन में जाकर के VASPASS यहाँ पर कूपन अप्लाई करते हैं. तो जो आपका ईयरली टेस्ट 399 का था, वो इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ
360 का हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 360 का हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बात कर रहे हैं बैपम सब इंजीनियर के लिए, MPPSC AE के लिए और जितने भी कोर्सेज हैं आपके, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए केवल एक सिंगल पास, बार बार फीस देने की झंझट से छुटकारा। तो हम बात करते हैं 500 एग्जाम्स अवेलेबल हैं, उनके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। तो बिल्कुल अवेल कीजिएगा और 10% डिस्काउंट को अवेल कीजिएगा VASPAS के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पर वापस आते हैं, हाँ बिल्कुल लगा दो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एफ्लोरेसेंस इन अ मेसनरी रिफर्स टू, हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि एफ्लोरेसेंस किसको रिफर करता है, तो एफ्लोरेसेंस किसको रिफर करता है, व्हाइट स्पॉट इन द मेसनरी वॉल। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सॉल्टी वाटर में डालते हैं तो उसके जो पैचेस निकल करके आते हैं उसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक कलर के पैचेस बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो धब्बे बन जाते हैं व्हाइट कलर के उनको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ज़्यादा कुछ डिफेक्ट नहीं आता है बट ये अपीयरेंस को ख़राब कर देते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सौरभ जी ने भी यहाँ पर बोला है वाइट एंड डिफेक्ट, बिल्कुल बहुत सही है, वंडरफुल सेशन, थैंक यू। अंतिम को जी, चिनाई के द्वारा सफ़ेद धब्बा, बहुत बढ़िया। एयर एंट्रेनिंग होगा सर, एयर एंट्रेनिंग क्यों होगा भाई, एयर एंट्रेनिंग क्यों होगा भाई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सौरभ बैरा जी, ओके होमवर्क आंसर 3-3 और शिप्रा जी ने भी आंसर दिया हुआ है, राज सिंह जी ने भी आंसर दिया हुआ है, सुमन जी ने भी आंसर दिया है, मोहन जी ने भी आंसर दिया है और किशोर लता सोनवाने जी ने भी यहां पर आंसर दिया हुआ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा, हमें मोटिवेशन से यहां पर मिलता रहता है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में बता दूँ, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ ऊपर फिर लास्ट में बता दूंगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब यार इतना पेशेंस तो रखो थोड़ा सा, जिंदगी में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम बिना पेशेंस, जब हमारे पास पेशेंस नहीं होता ना तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते क्योंकि हम आधा पढ़ते हैं, हम सोचते हैं हमें ये आ रहा है, तो ये पेशेंस बहुत जनरेट करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये पेशेंस लाओ थोड़ा सा क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा पेशेंस काम करेगा क्योंकि आंसर पढ़ना है। अब यहाँ पर नॉट लिखा होता है, नहीं लिखा होता, कई बार हम यही गलती करते हैं, तो वो पेशेंस जरूरी है, पेशेंस लाओ थोड़ा सा, ठीक है ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमने अपने काम की चीज़ कर ली बस, ठीक है हो गया, चलो इनअप। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पेशेंस चाहिए पड़ता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, चीज़ों को करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ब्रॉड गेज ट्रैक इज लैड विथ वुडन स्लीपर्स, वुडन स्लीपर्स की बात कर रहे हैं, विद अ डेंसिटी ऑफ m+7 डेंसिटी के साथ, द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज 68 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बोल रहा है, ये हमारी एक स्लीपर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, एक हमारी ये स्लीपर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग बोली गई है वो कितना है, 68 सेंटीमीटर है, कितना है 68 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बोली गई है। तो ये जो स्पेसिंग है वो कौन सी है, सेंटर टू सेंटर है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिंग है, अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और कितने एंगल पे होता है, ये एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 45 डिग्री होता है, कितना होता है 45 डिग्री, और इन दोनों के बीच की क्लियर डिस्टेंस होती है वो हमारी 2 dB के बराबर निकल के आती है, और dB क्या होता है हमारा, dB होता है डेप्थ ऑफ बैलास्ट, डेप्थ ऑफ बैलास्ट। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट है, सपोर्ट की विड्थ हमें दे रखी है, सपोर्ट की विड्थ कितनी दे रखी है, W दे रखी है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट की विड्थ कितनी दे रखी है, W दे रखी है। तो हम बात करते हैं जो S वैल्यू होगी वो कितना, W/2, एक साइड से W/2 दूसरी साइड से, प्लस कितने के बराबर, 2 dB के बराबर निकल कर आती है, तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाता है, S-W/2 निकल करके आता है, S-W/2 निकल करके आता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर S-W/2, तो हम बात करते हैं S कितना दिया गया है, 68 दिया है, और W की वैल्यू कितना दिया गया है, W की वैल्यू कितना दिया गया है, विड्थ ऑफ स्लीपर 25.4 सेंटीमीटर दिया गया, अपॉन 2 कर दिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताइएगा, ये वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताइएगा, कैलकुलेट करें, 21.3 निकल करके आ रहा है, कितना 21.3 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा है, तो हमने आंसर लगाया 21। अगेन यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, क्या अगर हम बात करते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या होता है, S+10H/20 होता है, S क्या होता है स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, और H क्या होता है हार्डनेस इंडेक्स होता है। तो हम S और H की बात करते हैं, ये कितने परसेंट मॉइस्चर पे लिया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, S और H कितने प्रतिशत मॉइस्चर पे लिया जाता है। गुड इवनिंग वैष्णवी जी, S और N
एस और एच कितने परसेंट पे लिया जाता है, तो हम बात करते हैं एस और एच कितने पे लिया जाता है, 12% पे लिया जाता है, 12% पे लिया जाता है। तो एक और क्वेश्चन यहां पर हमने तैयार किया हुआ है, ठीक है, एक और क्वेश्चन यहां पर तैयार किया हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बात करते हैं 12% पे, ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं यहां पर, विंड रोज डायग्राम इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग। डिसाइडिंग की बात करते हैं तो डिसाइडिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, तो हम बात करते हैं होते हैं कौन सा, हम बात करते हैं विंड रोज डायग्राम रनवे के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं, रनवे ओरिएंटेशन निकालने के लिए हम डिसाइड कर रहे होते हैं। और अगर हम रनवे ओरिएंटेशन के लिए निकाल रहे होते हैं, तो रनवे ओरिएंटेशन दो तरीके से विंड रोज डायग्राम होते हैं। तो विंड रोज डायग्राम की बात करें तो विंड रोज डायग्राम दो तरीके से होते हैं, एक होता है हमारा टाइप 1 डायग्राम और एक होता है हमारा टाइप 2 डायग्राम होता है। दो तरीके डायग्राम होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अगर हम टाइप 1 में बात करते हैं, तो टाइप 1 में क्या क्या डिफाइन होता है, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड डिफाइन होता है, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ विंड यहां पर डिफाइन होता है, ठीक है। टाइप 2 डायग्राम की बात करते हैं तो क्या क्या डिफाइन होता है, टाइप 2 विंडरोज डायग्राम, डायरेक्शन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ये एंड विंड इंटेंसिटी यहां पर हमारा स्पेसिफाई होता है। तो यहां पर दो और ऑब्जेक्टिव बन गए, किस तरीके के डायग्राम में क्या क्या चीजें डिफाइन होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर दो चीजें और डिफाइन होगी, दो क्वेश्चन और होगा इस वाले क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन और हमने कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ द ब्रॉड गेज इज, अगर हम बात करते हैं ब्रॉड गेज की विड्थ कितनी होती है, ठीक है, ब्रॉड गेज की विड्थ हमारी यहां पर कितनी निकल करके आती है, तो हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज विड्थ कितना निकल करके आ रहा होता है, ठीक है, ब्रॉड गेज विड्थ की बात की जाएगी, तो ब्रॉड गेज विड्थ कितना निकल करके आ रहा होता है, तो ब्रॉड गेज विड्थ की बात करें कितना होता है, 1.676 मीटर निकल करके आता है, 1.676 मीटर निकल के आता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो मीटर गेज कितना निकल करके आता है, 1 मीटर निकल करके आता है। अगर हम बात करते हैं नैरो गेज तो कितना होता है, 0.766 मीटर निकल करके आता है, और 0.610 मीटर भी होता है, और 0.610 मीटर भी हमारे पहले यूज किया जाता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर निकल कर आता है। तो तीन ऑब्जेक्टिव और बना लिए हमने यहां पर, 762 भी होता है, 762, चलो 76 लिख देता हूं, ठीक है, तो हम बात कर 762 मीटर यहां पर निकल गए, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिन द बैंक्स इज अ टाइप ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय द कैल्शिनेशन ऑफ लाइम स्टोन एंड कंसिस्ट ऑफ 95% और मोर CaO एंड लेस देन 5% इंप्योरिटीज। तो 95% प्योरिटी है तो वो कौन सा होता है, वो फैट लाइम होता है। फैट लाइम का दूसरा नाम क्या होते हैं, हम इसको व्हाइट लाइम भी बोलते हैं। अगर हम बात करें व्हाइट लाइम कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हाइट लाइम प्लास्टरिंग वर्क एंड व्हाइट वॉशिंग में हम यूज कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लाइम, तो हाइड्रोलिक लाइम की जो प्योरिटी होती है वो 70% से 92% के बीच में निकल करके आती है, और इसको ब्रिक वर्क के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। पुअर लाइम की बात करते हैं, पुअर लाइम जो होता है उसकी प्योरिटी 70% से कम निकल करके आती है, और उसको हम फाउंडेशन वर्क के लिए यूज कर रहे होते हैं, फाउंडेशन वर्क के लिए यूज कर रहे होते हैं, क्लियर है बात। तो 14 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द टर्म फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स और रेजिनियस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड ईदर इन अल्कोहल ऑयल और टर्पेंटाइल। तो हम ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं, ऐसे टर्म्स को बोला जाता है वार्निश, ऐसे टर्म को क्या बोलेगा, वार्निश। द टर्म वार्निश इज यूज टू इंडिकेट द सॉल्यूशन ऑफ रेजिन्स और रेजिनियस सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड ईदर इन अल्कोहल ऑयल और टर्पेंटाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द परमिसेबल फ्री फॉल ऑफ प्लेसिंग कॉन्क्रीट इज कैप्ड 150 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। अगर हम बात करते हैं यहां पर,
हम बात करें परमिसिबल फ्री फॉल कितना रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर, किसके लिए, सेग्रीगेशन को रोकने के लिए। हम बात करें सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन पार्टिकल का अलग अलग हो जाना वो हमारा क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो सेग्रीगेशन के लिए हम कितना रखते हैं। ब्लीडिंग क्या होता है, पानी का ऊपर आ जाना, ठीक है। अगर हम बात करें श्रिंकेज क्या होता है, एवेपोरेशन रेट का अप्लाइड रेट से ज्यादा होना, वो हमारा क्या कहलाता है, श्रिंकेज कहा जाता है। तो यहां पर आंसर ए हो जाएगा। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू, अगर हम जिप्सम की बात कर रहे हैं सीमेंट में तो क्यों एडेड किया जाता है, तो जिप्सम जो एडेड किया जाता है वो जिप्सम एज अ रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का काम करता है, तो हमारी सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा होता है। और कौन सी सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। कलर वगैरह नहीं देता है, हाइड्रोफोबिक नहीं बनाता है। जनरली जो जिप्सम का अमाउंट होता है वो कितना होता है, 3-4% जिप्सम हम यूज करते हैं, 3-4% जिप्सम हम ओपीसी के केस में हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जनरली बहुत उम्दा यार, बहुत उम्दा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉलरेंस इन विड्थ ऑफ मोल्ड ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक के मोल्ड में जो हमारी टॉलरेंस होती है वो कितना निकल करके आती है, ठीक है। तो टॉलरेंस कितना होती है, क्लास वन ब्रिक के लिए जो टॉलरेंस देती है विड्थ में वो कितना निकल करके आती है, क्वेश्चन पूछा है, तो कितना होता है, ±3 mm। अगर ±6 mm की बात करें तो किसमें होती है, टॉलरेंस इन लेंथ होता है, टॉलरेंस इन लेंथ, लेंथ में ये टॉलरेंस निकल करके आता है, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल डायमेंशंस की, परमिसिबल डायमेंशंस की जो टॉलरेंस होती है वो कितनी होती है, ओवरऑल ±3% निकल करके आ रही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कितना होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 15% होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात की जा रही है वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10.7 newton per mm square, या हम डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 10 newton per mm square से ज्यादा होना चाहिए। बहुत उम्दा यार, बहुत उम्दा, बहुत सही जा रहे हो आप लोग। कितनी इंफॉर्मेशन मिली एक्स्ट्रा वो हमें ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। उनसे अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग अ हैवी लोड, हैवी लोड को कैरी करने के लिए कौन सा होता है, हैवी लोड को कैरिंग करने के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। हैवी लोड को कैरी करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, इंग्लिश बॉन्ड को यूज किया था। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट लेयर होती है हेडर की, ऊपर की साइड पूरे क्या होंगे, हेडर होंगे पूरे के साथ हेडर, और नीचे की साइड क्या होंगे, पूरे के पूरे स्ट्रेचर निकल करके आते हैं, पूरे के पूरे क्या निकल करके आते हैं, स्ट्रेचर निकल करके आते हैं। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इंग्लिश बॉन्ड का होता है। फ्लेमिश बॉन्ड का क्या होता है, फ्लेमिश बॉन्ड का एक ही लेयर में अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर, अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं। ये किसका होता है, ये फ्लेमिश बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है, फ्लेमिश का। इसका अपीरेंस अच्छा होता है लेकिन कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 50 degree एंड द लाइन बी सी इज 120 degree, देन द डिफ्लेक्शन एंगल विल बी, डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं ए बी लाइन जो है वो ए बी लाइन का होल सर्कल बियरिंग आपको दे रखा है, ए से बी तक ये गए हैं और कितना होल सर्कल बियरिंग दे रखा है, 50 degree दे रखा है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बी सी लाइन का होल सर्कल बियरिंग भी दे रखा है, तो बी सी लाइन का होल सर्कल बियरिंग कितना दे रखा है, वो दे रखा है 120 degree, कितना दे रखा है, 120 डिग्री यहाँ पर दे करके रखा है। तो आपसे पूछा है डिफ्लेक्शन कितना हुआ, डिफ्लेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, ये लाइन सीधी जा रही थी और अब कितना से डिफ्लेक्ट हो गई है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये कितना डिग्री हो गया है, ये हमारा 50 degree हो गया है, तो बचा कितना, ये 70 degree। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा, 70 degree आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ का इंटरनल एंगल पूछता, इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल कितना होता है, निकाल पाते क्या इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल इसी क्वेश्चन में इंटरनल एंगल पूछ लेते हो कितना होता, 50। अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, 40, ये कितना होगा, 40, 40 के अलावा ये कितना हो गया, ये 50 हो गया है। तो अगर हम बात करें ये 120 है तो ये कितना हो गया है, 60 हो गया, तो इंटरनल एंगल कितना हो गया है, 110 degree। लेकिन अगर हम बात करें क्लॉक वाइज है इसलिए इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल होगा, सॉरी इंटरनल एंगल हमारा कितना हो गया है, 110 डिग्री निकल कर गया है। एक और क्वेश्चन बना लिया इसमें, यानी एक्सटर्नल एंगल पूछेगा, 360 - 110 निकल करके आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन आप सभी का, अर्ध शतक तो कर लो यार आज। बोलोगे रोज यही आदमी यही बात बोलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन सेवरल, देखो बाकी देखो कितने जल्दी आंसर आ गए, 70 मिनट सबके आंसर आ गए थे, क्यों? क्योंकि वो उनने कई बार क्वेश्चन देखा हुआ है, लेकिन 110 डिग्री आंसर बहुत लेट आया, मतलब आपने कैलकुलेशन की है, और यही चीज होना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। अ सेवरल कंटूर्स कोइंसाइड इट इंडिकेट्स, अगर हम बात करते हैं, देखो एक बार और भी आ गया है, अगर वही क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाए तो अब एक बार और नहीं आता, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं किसका एक बार, इंटरनल एंगल एक बार और कि पूरा क्वेश्चन एक बार और, जल्दी बताओ। When several contours, अगर हम बात करते हैं coincide, it indicates, अगर बहुत सारे contours coincide कर रहे हैं, कौन सा होगा? तो हम बात करते हैं बहुत सारे contours, ऐसा vertical cliff है, इसके हर point पर elevation क्या होगा? Same होगा, तो हर point पर क्या होंगे? बहुत सारी line यहाँ पर coincide करते जाएंगे, तो हमारा option क्या हो जाएगा? Vertical cliff। अगर valley की बात करें तो valley में क्या होगा? Inside, valley में क्या होगा? अगर हम valley में जाएंगे तो inside side जाते हुए हमारी value क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है? कम होती जाएगी, बिल्कुल एनएचपीसी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनल एंगल, ओके, इंटरनल एंगल बता दे रहा हूं, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं रिज लाइन, रिज लाइन की अगर हम बात करें, रिज क्या होता है? तो हिल को हम रिज बोलते हैं। अब देखो इंटरनल वाला, देखो आ गए सब लोग, तो देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये ए बी लाइन हो गई है, ए बी लाइन का एंगल कितना है? 50 डिग्री। ये हो गई है बी सी लाइन, और बी सी लाइन का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो इंटरनल एंगल हमें निकालना है, तो बताओ यहां पर ज्योमेट्री बना दीजिएगा, यहाँ पर क्या बना दीजिएगा? ज्योमेट्री बना दीजिएगा। अब ये देखो 90 डिग्री था, 90 में से 50 चला गया तो कितना बचा? ये 40 डिग्री बचा। अब ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए था, ये पूरा 180 होना चाहिए, 180 में से 120 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। अब इंटरनल एंगल पूछा गया है, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटरनल, 50 + 60 = 110 डिग्री निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारी ज्योमेट्री लगा करके आंसर निकाल लिया। चलो क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई बिल्कुल, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन और बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, इससे आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही होगी रेशमा जी, इससे आपकी वैल्यू निगेटिव आ रही होगी। इससे वैल्यू क्या आएगी? इससे वैल्यू निगेटिव आ रही होगी, और निगेटिव में फिर प्लस 360 करना होगा, करके देख लीजिएगा आप, मैं बता दे रहा हूँ अभी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्रॉसिंग ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक इन इंडिया? ब्रॉड गेज ट्रैक जो हम इंडिया में यूज करते हैं, इंटरनल एंगल इंक्लूडेड एंगल सेम नहीं है, इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल सेम नहीं होते हैं। इंक्लूडेड एंगल इंटरनल एंगल भी हो सकता है और एक्सटर्नल एंगल भी हो सकता है। इंक्लूडेड एंगल, तो रेशमा जी इस क्वेश्चन में क्या है? इंक्लूडेड एंगल जो आपने डेफिनेशन दी है वो इंक्लूडेड एंगल की है, और इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो, अरे सर मेरा कमेंट पढ़ रहे हैं भैया, डिजिटल वर्ल्ड, बिल्कुल पढ़ रहा हूं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है? अरे नहीं होते हैं सेम। अरे क्या मैं इसको इंक्लूडेड एंगल को क्लियर करूं पहले? मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रॉसिंग ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक, अगर ब्रॉड गेज ट्रैक पर पूछा गया है तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रैकिंग कौन सा होता है? अगर ब्रॉड गेज ट्रैक पर बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? 1 in 8 to 1 in 12 हमारा जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज क्रॉसिंग हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्लियर है सभी को बात? तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, इसको याद करना है, और इसको डेफिनेटली याद करना है। चलो देख लो, ठीक है? तो अगर हम बात करें इंक्लूडेड, अरे देख लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा ट्रैवर्स क्लॉकवाइज जा रहा होता है, क्लॉकवाइज ट्रैवर्स क्लॉकवाइज जाता है, तो हमारा जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो एक्सटर्नल एंगल होगा। तो इंक्लूडेड एंगल जो निकल करके आता है वो हमारा कौन सा होता है? एक्सटर्नल एंगल निकल करके आता है, ठीक है? और अगर हमारा ट्रैवर्स जो होता है ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इंक्लूडेड एंगल जो निकल करके आता है वो हमारा इंक्लूडेड एंगल निकल करके आता है वो हमारा इंक्लूडेड एंगल कौन सा होता है? इंटरनल एंगल होता है। तो इंक्लूडेड एंगल इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ऑन अ राइट एंगल टू लेन, अगर हम बात करें क्या, ऑन अ राइट एंगल टू लेन रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक, अगर हम बात करें टू वे ट्रैफिक की बात करें, ठीक है?
अरे डिजिटल वर्ल्ड समझ में आया, डिजिटल वर्ल्ड समझ में आया। डिफ्लेक्शन 70 डिग्री कैसे? आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन कर लेना डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है? 70 कैसे निकाला मुझे वो पूछना था। अरे भैया ये लाइन सीधी जा रही थी, ये था ए से बी और बी से सी, यहां था। डिफ्लेक्शन कितना हुआ? यही तो डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये ऑलरेडी कितना दिया था? 120 डिग्री दिया हुआ था, ये 120 दिया हुआ था, तो ये डिफ्लेक्शन निकालना है। ये हम बात कर रहे हैं यहां पर सिमिलर एंगल वाले, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो सेम हो जाएगा। अब मुझे बता दो बच्चों कैसे समझा दूं तुम्हें। अरे कर दिया है, डिजिटल वर्ल्ड अभी क्लियर हुआ, डिजिटल वर्ल्ड अभी क्लियर हुआ। ये सीधी लाइन है, इसको एक लाइन यहाँ काट रही है और एक लाइन यहाँ काट रही है, तो इसको जोड़ दो यहाँ पे, लो और जोड़ दो और बता देता हूँ, ठीक है? ये कितना है, ये कितना है, ये 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री हुआ। अगर ये 40 हुआ तो इसके सामने वाली लाइन कितनी होगी? ये 90 होगी, तो 40 ये वाला एंगल कितना होगा? 50 होगा। डिजिटल वर्ल्ड, ओ माई गॉड, क्लियर है? चलो, अरे क्लियर करना जरूरी है यार, बाकी क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्लियर होना जरूरी है, डाउट के साथ नहीं सोना है। चलो ओके ऑन अ, बिल्कुल डाउट के साथ सोना ही नहीं है यार, क्योंकि एक छोटा सा डाउट, जब तुम्हें छोटा सा घाव होता है तो आगे चल के वो नासूर बन जाता है अगर उसको क्योर ना करो तो। चलो ऑन अ राइट एंगल टू लेन्स, अगर हम बात करते हैं ऑन अ राइट एंगल टू लेन, अगर हम राइट एंगल टू लेन की बात करते हैं, राइट एंगल टू लेन रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक, द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आर, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? तो हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट कितना होता है? 24 निकल करके आता है, ठीक है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं उसको क्या होता है? 24 निकल करके आता है, 24 हमारा आंसर। अच्छा इसमें मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं? मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं? मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट 8 होते हैं, मतलब माइनर कॉन्फ्लिक्ट 8 होते हैं। क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हम बात करें बाकी सारे कौन से होते हैं? वीविंग कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं 12, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 12 कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आते हैं वीविंग के, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टरगार्ड मेथड इज यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ, अगर हम बात करते हैं वेस्टरगार्ड मेथड की, तो वेस्टरगार्ड मेथड किसकी डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है? तो वेस्टरगार्ड मेथड जो डिजाइन किया जाता है वो किसकी डिजाइनिंग के लिए किया जाता है? रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए हम वेस्टरगार्ड मेथड को यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर मैं बता दूंगा कैसे निकलता है, ठीक है? वैभव सर एट द रेट टेस्ट बुक, वहां पर पूरा बता दूंगा कैसे निकलता है 24, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सुपर एलिवेशन ऑन अर्बन रोड, अभी हल किया होता, सुपर एलिवेशन अर्बन रोड किस कितना होना चाहिए? लेस देन 4%, मैक्सिमम वैल्यू 4% है, इसलिए नेक्स्ट देन लेस देन 4% होता है। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर बता दूंगा, ठीक है? ओके चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रोड पैटर्न वर द फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान बेस्ड, किस रोड पैटर्न पर? वही क्वेश्चन अलग तरीके से, कान घुमा के पकड़ लिया गया, तो किस पे बेस्ड है, किस पर बेस्ड है बताओ? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होता है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा प्रदर्शन आप सभी का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व, हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व की बात है, इफ द विड्थ ऑफ द हाईवे इज 10 मीटर एंड द आउटर एज इज 40 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द हाईवे कितना बोल दिया गया है? 10 मीटर बोल दिया गया है, और आउटर एज को कितना उठाया गया? 40 सेंटीमीटर उठाया गया, तो आपसे पूछ रहा है सुपर एलिवेशन कितना होगा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू कितना होता है? 40 अपॉन 10 इंटू 100, दोनों किस में ले लिए हैं हमने? सेंटीमीटर में ले लिए, तो हम बात करेंगे इसका कितना निकल के आएगा? 4/100, यानी हम बात करते हैं यहाँ पर 1 in 25 निकल करके आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सुपर एलिवेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कंट्रोल करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, यहाँ पर वी की वैल्यू जो है वो मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर जो वी की वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर्स में दी गई है, ठीक है? आर क्या है? रेडियस, ई क्या है? सुपर एलिवेशन, एफ क्या है? लैटरल फ्रिक्शन कॉफिशियंट है, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मेजर्ड बाय, कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी किससे मेजर करते हैं? स्लंप टेस्ट से बिल्कुल, कॉम्पैक्शन फैक्टर बिल्कुल, बीवी टेस्ट से बिल्कुल, तो हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव टेस्ट से। और कैली वॉल मेथड भी यहां पर इंक्लूड होता है, कैली वॉल मेथड भी यहां पर इंक्लूड होता है, ठीक है, तो हम उससे भी यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोर्टार, निम्न में से कौन सा? लाइम सुर्खी क्या है? एक मोर्टार है। सीमेंट सैंड क्या है? एक मोर्टार है। सीमेंट लाइम क्या है? एक मोर्टार है। लेकिन सीमेंट स्टोन चिप्स मोर्टार, सीमेंट और स्टोन चिप्स के साथ मिला दिया जाएगा, वहां कोर्स एग्रीगेट है तो वो किसी भी तरीके का मोर्टार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, सीमेंट स्टोन चिप्स किसी भी तरीके का मोर्टार नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या लिख दिया है भाई? चलो ये बता दे रहा हूं मैं क्या लिख दिया। इफ वन एंड हाफ, ठीक है, वन एंड हाफ ब्रिक थिक वॉल विथ इंग्लिश बॉन्ड इज सेम कोर्स विल शो। अगर हम बात करते हैं सेम कोर्स में, अगर हम बात करते हैं तो क्या शो करेगा? तो अगर आप बात करेंगे तो एक तरफ से ये क्या शो करेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा। तो एक तरफ से क्या शो करेगा? स्ट्रेचर। एक तरफ से क्या शो करेगा? हेडर शो करेगा। एक तरफ से क्या शो करेगा? स्ट्रेचर को शो करेगा। और एक तरफ से क्या शो करेगा? हेडर को शो करता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कौन सा है, हेडर ऑन बोथ साइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, अल्टरनेट हेडर ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी कैसे होगा अरुण जामरे जी, सी कैसे होगा, अरे मेरे बालक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्सिंग वाटर फॉर कॉन्क्रीट, अगर हम वाटर में कॉन्क्रीट की मिक्सिंग कर रहे हैं, उसमें ऑयल है तो क्या करेगा? ऑयल क्या होता है? एक तरीके का मटेरियल होता है जो हमारी जो होता है पानी की प्रॉपर्टीज को कम कर देता है, चिपकने की प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे? वो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। इंप्रूव तो नहीं करेगा, क्या कर देगा? स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस रॉक इसमें से कौन से है? कैलकेरियस रॉक होते क्या है? वो रॉक्स जहां पर अगर हम बात करते हैं क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैलकेरियस रॉक बोलते हैं। और कैलकेरियस रॉक का अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। डोलोमाइट यहां पर किसका एग्जांपल हो जाएगा? कैलकेरियस रॉक का एग्जांपल हो जाएगा हमारा, डोलोमाइट निकल करके आ जाएगा, डोलोमाइट करके। अगर हम बात करें इसके अलावा कौन सी होती है? सिलिशियस रॉक होती है, सिलिशियस रॉक होती है, और एक कौन सी होती है? सिलिशियस रॉक किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है? सिलिका से बनी होती है सिलिशियस रॉक, ठीक है। और एक होता है आर्गिलेशियस रॉक, ठीक है, सॉरी आर्गिलेशियस रॉक भी होता है। कैलकेरियस रॉक किससे होता है? लाइम से बना होता है, सॉरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम आर्गिलेशियस की बात करें तो किसके बना होता है? क्ले से बना होता है। बहुत बढ़िया, चलो डोलोमाइट आंसर हो जाएगा। The drawback of electric seasoning of timber is, हाँ हाँ गड़बड़ हो गई, कालीन भैया पहली बार आए हैं, अच्छा कालीन भैया मिर्जापुर को ही ले आए हैं क्या पूरा? कोई दिक्कत नहीं यार, आ जाओ आप, ठीक है, पढ़ो बस। The drawback of electric seasoning is, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सीजनिंग का ड्रॉबैक क्या है? स्प्लिटिंग, उसमें क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विभाजन हो जाता है, ठीक है। चेक्स नहीं होते, क्रैक्स नहीं होते, रिड्यूस स्ट्रेंथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। लैटराइट होगा आंसर, लैटराइट नहीं होगा, डोलोमाइट ही आंसर होगा, डोलोमाइट, डोलोमाइट आंसर होता है, कैलकुलेस पूछा है, डोलोमाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन टू रिमूव, अगर हम ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करते हैं तो किसको रिमूव करने के लिए हम बात करते हैं? ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 34 नंबर, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर किसको डिजाइन करने के लिए? तो हम बात करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर से डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव किया जाता है, किसको रिमूव किया जाता है? ओके, मैं चेक कर लूंगा, बाकी आपको बताता हूँ, ठीक है, चेक करके बताऊंगा, ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पर अलग कर रहा होता है, ठीक है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को ये अलग कर रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉन्क्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर, अगर कॉन्क्रीट कंटिन्यूअसली अंडर वाटर है तो वो किस कंडीशन के अंदर हमारा आएगा, तो हम बात करते हैं किसके अंदर आएगा, मॉडरेट कंडीशन के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर किस कंडीशन में आएगा, सीवियर कंडीशन में आएगा। कॉन्क्रीट सरफेस एक्सपोज टू द सरफेस सी वाटर स्प्रे, तो हम क्या बोलेंगे, वन कंडीशन में वेरी सीवियर। और सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक इन द टाइडल जोन किस में आ जाएगा, हमारा एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बता दो, वेरी सीवियर में अगर हम बात करें तो वेरी सीवियर में हमारा मिनिमम ग्रेड कितना होता है, M35 निकल के आता है। एक्सट्रीम में कितना निकल के आता है, M40 निकल के आता है। सीवियर में कितना निकल के आता है, सीवियर में M30 निकल के आता है। और मॉडरेट में कितना निकल के आता है, M25 निकल के आता है। चार क्वेश्चन यहां पर और बन गए, चार क्वेश्चन। अरे मेटामॉर्फिक नहीं, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं त्रिनेत्रा। चलो नेक्स्ट, द स्टेटमेंट S1 S2 एंड S3 रिलेटेड टू द टेम्परेचर स्ट्रेस इन द पेवमेंट आर गिवन बिलो, द आइडेंटिफाई द करेक्ट। सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विल लीड टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, सीजनल वेरिएशन जो है वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस को ले जाए, बिल्कुल सही बात है। डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विल लीड टू द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, डेली वेरिएशन नहीं लेता है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस इज क्रिटिकल एट एजेस एंड इंटीरियर एंड इट इज मिनिमम एट कॉर्नर, ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमारा S1 और S3 सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 20 25 30 35 40 के साथ कंडीशन भी याद रखना है बस। ठीक है, ये याद है बहुत अच्छा है, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा। नेक्स्ट, इफ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी विद द बियरिंग मेजर्ड एट ए इज आर 40 मीटर एंड 30 मीटर। अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की, तो लैटिट्यूड कितना है, हम बात करते हैं 40 मीटर, एंड डिपार्चर कितना है, 30 मीटर निकल करके दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं उस लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ द लाइन कितना होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50 मीटर निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर अ हाइड्रोलिक जंप अ प्रिज्मेटिक चैनल। अगर हम हाइड्रोलिक जंप की बात करते हैं तो किसको कंसीडर किया जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो द स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू द जंप फॉर्मेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो जंप फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज गलत है, द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द जंप फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एनर्जी है वो जंप फॉर्मेशन के कारण हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ तो देखो ये वाला तो हुआ है गलत, स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू द जंप फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। एंड स्पेसिफिक फोर्स रिमेन कांस्टेंट, फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम बात करें पहला और चौथा हमारा सही हो गया, पहला और चौथा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिफरेंट तरीके के हाइड्रोलिक जंप की, तो कितना फ्राउड नंबर होगा, अगर लेस देन 1 हुआ तो कैसी जंप होती है, इम्पॉसिबल जंप होती है। कैसा होता है, इम्पॉसिबल जंप निकल करके यहां पर आता है। ठीक है, और अगर 1 से लेकर के 1.7 होता है तो क्या, कैसा होता है, अंड्यूलर जंप्स होता है, अंड्यूलर जंप्स निकल करके आता है। और अगर हम बात करते हैं 1.7 से 2.5 निकल करके आता है तो क्या होता है, वो वीक जंप निकल करके आता है। क्या होता है, वीक जंप निकल करके आता है। तो ये वैल्यू भी यहां ध्यान रखनी है, यहां पर तीन और ऑब्जेक्टिव बन गए हैं। और बता दूं क्या, तो अगर हम बात करते हैं 2.5 से लेकर के 4.5 की, तो ऑक्सीलेटरी जंप होती है, ऑक्सीलेटरी जंप होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 4.5 से 9 के बीच में तो कैसा होता है, स्टडी जंप निकल करके आता है। और ग्रेटर देन 9 होता है वो कैसा निकल के आता है, स्ट्रांग जंप निकल करके आता है। ठीक है, तो स्ट्रांग जंप इसको हमने बात की हुई थी, बहुत बढ़िया। एस पर IS 1343 द मिनिमम, अगर हम बात करते हैं द मिनिमम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट टू बी यूज इन द पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन स्ट्रेन आर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, M30 एंड M40 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, M30N। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आंसर हो जाएगा, बेटा डेली प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे, जब हम अच्छे चेहरे बार बार देखते हैं तो याद हो जाती हैं चीज़ें, समझ गए। तो ये एक अच्छा चेहरा है जिसे बार बार देखने पर याद हो जाएगा, चिंता मत करो।
ठीक है, तो ये अच्छे चेहरे की तरह देखो, बार बार देखो तो याद हो जाएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है वो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, मैं क्या करूं इसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं, इसका आंसर बता देते हैं, व्हाइट स्पॉट इन द मैसनरी वॉल, तो आज ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर 41 नंबर, इसका आंसर देना है कि क्या होगा, इसका आंसर देना है होमवर्क क्वेश्चन में, इसका आंसर देना है आपको कि क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा एम्पायर ने विकेट लिए, सब आउट आए, बहुत बढ़िया, सब शॉट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम बात करते हैं यहाँ पर होमवर्क में आपको इसका आंसर देना है, क्लियर है बात। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, सेशन समाप्ति की घोषणा हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, कल सुबह 9 बजे NHPC का महासंग्राम, सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे हम मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा शायरी सुनोगे क्या? अब शायरी तुम हर बार, हर रोज शायरी तुम्हारी फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं बेटा। पेपर आउट, पेपर आउट तो डेली करते हैं अपन, लेकिन तुम लोग सुनते कहाँ हो उस पेपर को। चलो थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, वी आर रेडी, ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सैड वाली सुना दो, शायरी सुनना है, सुन लो मोटिवेशन, सुन लो क्या थी। हाँ, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है दिल में, जुनून सा जगाना पड़ता है दिल में, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा जब चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली कि साहब तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से तुम्हारी भी कहानी है, तिनका तिनका उठाओगे तो एक दिन घोंसला बन ही जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। ठीक है।